हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनित स्केल्ड में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूं और टॉपिक है कि डीजी का बी चेक कब करते हैं, कितने घंटे पे करते हैं, कितने समय पे करते हैं और बी चेक में हम क्या क्या करते हैं। हमारे बहुत सारे साथी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो सही से बता नहीं पाते हैं कि डीजी बी चेक में क्या क्या करना होता है। तो दोस्तों, जो जनरेटर के मुख्य चार चेक होते हैं, ए चेक, बी चेक, सी चेक और डी चेक। तो ए चेक ऐसा चेक है जिसमें सिर्फ हमें कुछ चेंज नहीं करना होता, सिर्फ चेक करना होता है। और बी चेक से हम बात करें तो बी चेक, सी चेक, डी चेक ये हमारी सर्विस है और जिनको हम, जिस कंपनी का हमारा जनरेटर है उस कंपनी को एएमसी, एएमसी यानी कि एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट देकर रखते हैं और उस कंपनी के द्वारा हम ये सर्विस कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज विस्तार से समझेंगे कि डीजीबी चेक के अंदर क्या क्या होता है और कितने समय पर करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर वन, डीजीबी चेक कब करते हैं और क्या क्या करते हैं। आंसर, 300 एचआरएस, एचआरएस का मतलब आवर्स, ऑब्लिक 6 मंथ। भाई जनरेटर जब हमारा 300 घंटे चल जाएगा तो हम बी चेक जनरेटर का कराते हैं, या किसी कारणवश हो सकता हमारी पावर सप्लाई फेल ना हुई हो और हमारा जनरेटर 300 घंटे ना चला हो और 6 मंथ हो जाएंगे तब भी हम जनरेटर का बी चेक करा सकते हैं। समझ रहे हो आप लोग? भाई जोर से बोलो। तो समझ गए आप लोग? इंटरव्यूअर कई बार इसी क्वेश्चन पे आपको फंसा देते हैं कि भाई 300 घंटे जनरेटर नहीं चला तो कब करेंगे बी चेक। तो हमने दोनों चीज लिखी है, 300 घंटे या 6 मंथ। नंबर टू, रिपीट ए चेक। भाई जब हम बी चेक करते हैं तो बी चेक के दौरान हमें जो जो हमारी, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि ए चेक में क्या क्या करते हैं, तो जो ए चेक में हम करते हैं वो सभी बी चेक के दौरान हमें रिपीट करना होता है। नंबर तीन, सभी फिल्टर चेंज करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये तो आपने सुना होगा कि सभी फिल्टर चेंज करते हैं, पर हमारे बहुत सारे साथियों को ये नहीं पता होता कि डीजी के अंदर टोटल कितने फिल्टर होते हैं। तो भाई आप यहां पे गिनती करके, काउंट करके भी समझ सकते हैं कि टोटल कितने फिल्टर होते हैं और उनके साथ में मैंने नाम भी लिखे हुए हैं कि कौन कौन से फिल्टर होते हैं। तो जैसे एयर फिल्टर, भाई एयर फिल्टर को भी चेक के दौरान हम चेंज करते हैं। लूब ऑयल फिल्टर, लूब ऑयल को हम भी चेक के दौरान, लूब ऑयल फिल्टर को चेंज करते हैं। लूब ऑयल बाईपास फिल्टर, लूब ऑयल बाईपास फिल्टर को भी हमें चेंज करना होता है। कूलेंट फिल्टर, भाई ये जो कूलेंट फिल्टर है, जरूरी नहीं है हर डीजी के साथ में हो, कई बार क्या होता है जो कम रेटिंग के डीजी सेट होते हैं उनके अंदर कूलेंट फिल्टर नहीं होता है और जब ज्यादा रेटिंग के डीजी सेट होते हैं उनके साथ में कूलेंट फिल्टर होता है, तो हमने वो भी साथ में लिया, कूलेंट फिल्टर को भी हमें चेंज करना होता है। डीजल फिल्टर, डीजल फिल्टर को भी हमें चेंज करना होता है। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट मैं चीज यहां पर बताऊंगा, डीजल, डीजल को हम अपने टेक्निकल में फ्यूल कहते हैं, फ्यूल मींस ईंधन। तो कई बार हमारे साथ ही कंफ्यूज हो जाते हैं, डीजल फिल्टर और फ्यूल फिल्टर एक ही बात है। डीजल वाटर सेपरेटर फिल्टर से फ्यूल ड्रेन करना, भाई देखो यहां नाम से ही पता चल रहा है, डीजल वाटर सेपरेटर फिल्टर। भाई इस फिल्टर का काम होता है कि हमारा खराब दर्जे का डीजल होने की वजह से या हमारा कोई साइड पे अंडरग्राउंड टैंक है उसमें मॉइस्चर की वजह से या हमारा बारिश का सीजन है,
हमारा टैंक ओपन एरिया में कहीं से हमारी गैस किट डैमेज की वजह से थोड़ा घना पानी की मात्रा जो डीजल के अंदर आ जाएगी, तो ये डीजल वाटर सेपरेटर फिल्टर का काम होता है कि डीजल के अंदर से पानी की मात्रा को अलग करना। और ये फिल्टर हम बी चेक के दौरान चेंज नहीं करते हैं। सिर्फ हमें करना क्या होता है दोस्तों, जैसे यहां पे लिखा हुआ फ्यूल ड्रेन करना। दोस्तों फ्यूल वाटर सेपरेटर फिल्टर के डाउन साइड में डेड प्लग होता है। डेड प्लग से हम इसमें से आधा लीटर या एक लीटर डीजल निकाल लेते हैं, क्योंकि उस डीजल के अंदर पानी के पार्टिकल होते हैं। और हमें यदि हम देखेंगे तो आसानी से हमें यह भी पता चल जाता है कि फ्यूल वाटर फिल्टर के अंदर, फ्यूल वाटर सेपरेटर जो फिल्टर है उसके अंदर पानी कितना, क्योंकि दोस्तों फ्यूल जो हमारा होता है वो वेट में हल्का होता है और डीजल वेट में, वो पानी हमारा वेट में भारी होता है। तो जब हम देखेंगे तो फ्यूल हमारा अलग दिखाई देगा और इसमें हमें डिवाइडेशन दिखाई देगा। जहां तक पानी का लेवल होगा वो हमें आसानी से देखकर ही पता चल जाएगा, क्योंकि फ्यूल हमारा ऊपर ऊपर से आगे फ्यूल फिल्टर के लिए जाता रहता है और पानी पानी हमारा नीचे बैठ जाता है। तो इस फिल्टर को हम चेंज नहीं करते, सिर्फ इसमें जितना पानी की मात्रा उसको निकाल लेते हैं और उसके साथ में थोड़ा घना डीजल भी आता है तो उसको हम नट बोल्ट साफ करने के लिए यूज कर लेते हैं, डीजी में दोबारा नहीं डालते। समझ रहे हो ना भाई? नंबर फाइव, रेडिएटर में कूलेंट लेवल चेक करना। दोस्तों डीजी दो प्रकार के होते हैं, एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। तो ये हमने किस डीजी के बारे में लिखा है, एयर कूल्ड डीजी के साथ में हमारा रेडिएटर लगा होता, साथ में आप ये भी समझ गए कि भाई एयर कूल्ड डीजी किसे कहते हैं। एयर कूल्ड डीजी के साथ रेडिएटर होता है, तो रेडिएटर में हमें कूलेंट लेवल चेक करना है और कूलेंट का पीएच लेवल चेक करना है। आइए दोस्तों अब समझेंगे पीएच है क्या। दोस्तों डीजी के लिए हम प्रीमिक्स कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं। प्रीमिक्स यानी कि उसमें हमें कुछ भी मिलाना नहीं होता, उसमें जो भी अनुपात है वो पहले से मिला होता है। हमारा जितना कूलेंट लेवल कम है उतना हम फिलअप कर लेते हैं। और इसका जो कलर होता कूलेंट का वो पिंक कलर होता, पिंक यानी कि गुलाबी कलर। तो आइए अब हम समझेंगे कि पीएच लेवल चेक कैसे करेंगे। तो दोस्तों पीएच लेवल के लिए किट होती है कागज टाइप की और उस पे कई कलर कोड दिए होते हैं, और हम रेडिएटर से थोड़ी सी कूलेंट लेकर और उस कागज के द्वारा पीएच किट के द्वारा हम पीएच लेवल चेक करेंगे। यदि हमारा कलर पिंक कलर आता है तो कूलेंट की पीएच अच्छी है, विभिन्न कलर है तो अच्छी है, और यदि हमारा पिंक कलर नहीं आता है तो कूलेंट हमारी खराब हो चुकी है, हमें उसे चेंज करने की आवश्यकता है। जब कूलेंट खराब हो जाती है तो वो दूधिया कलर की हो जाती है और हमारा गुलाबी कलर नहीं रहता। तो समझ गए आप लोग? अब हम बात करते हैं, चलो ये तो एयर कूल्ड डीजी का हो गया, एयर कूल्ड डीजी में रेडिएटर का कूलेंट लेवल चेक कर लिया। वाटर कूल्ड के साथ में क्या होता है? तो दोस्तों वाटर कूल्ड डीजी के साथ में हमारा कूलिंग टावर लगा होता है और हीट एक्सचेंजर लगा होता है। तो हम बेसिकली ऑपरेटर हमारा कूलिंग टावर का वाटर लेवल तो चेक करता ही रहता है एवरी शिफ्ट, तो हमें चेक करना होगा कि वाटर कूल डीजी के साथ में मेकअप टैंक होता है, कूलेंट मेकअप टैंक। भाई मेकअप आप नाम से ही समझ रहे हो, उसका काम है यदि कूलेंट सर्कुलेशन लाइन के अंदर कूलेंट का लेवल कम होगा तो वहां से वो मेकअप होता रहता है। तो उसके अंदर भी हमें कूलेंट लेवल साइड में लेवल लगा होता है वहां से चेक कर लेते हैं, यदि फिल की रिक्वायरमेंट है तो हम फिल कर देते हैं। नंबर सिक्स, सभी सेफ्टियां पैरामीटर चेक करना। भाई जनरेटर की चार मुख्य सेफ्टियां होती है, हाई वाटर टेम्परेचर, लो लूब ऑयल प्रेशर, लो कूलेंट लेवल और ओवर स्पीड। तो भाई ये सभी पैरामीटर सेफ्टियां हमारे कहां होती हैं? ईसीपीजी पे हमें पता चलती है क्या सेट पॉइंट है, तो वहां से हमें जो हमारा सेट पॉइंट है, जैसे
हाई वाटर टेम्परेचर का सेट पॉइंट 90 डिग्री होता है तो वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और ओवर स्पीड भाई, जनरेटर की स्पीड हम 1490 से 1530 आरपीएम तक रखते हैं, उससे कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लो कूलेंट लेवल, भाई लो कूलेंट लेवल हम जब हमारा कूलेंट टैंक 80% खाली हो जाएगा और 20% कूलेंट बचेगी तो लो कूलेंट लेवल सेफ्टी हमारी एक्टिवेट हो जाती है। तो वो हमें ये सब भी हम देख लेते हैं कूलेंट कितना है। और चौथी है लो लूब ऑयल प्रेशर। दोस्तों जनरेटर हमें हमारा हमेशा लो लूब ऑयल प्रेशर पर ही ट्रिप करता है, कभी भी हाई पर ट्रिप नहीं करता, समझ रहे हो? तो अब हम ये और समझेंगे कि भाई जनरेटर के अंदर लूब ऑयल प्रेशर कितना होता है। तो दोस्तों जनरेटर चाहे किसी भी रेटिंग का हो, जनरेटर का जो लूब ऑयल प्रेशर होता है वो 2.5 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर से 7.5 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर तक होता है। तो जब भी कभी हमारा 2.5 से नीचे प्रेशर जाएगा तो जनरेटर हमारा ट्रिप कर जाएगा। तो ये सेफ्टियां सभी हमें जो हमारा इंजीनियर आता है एएमसी इंजीनियर वो सभी पैरामीटर चेक करता है। नंबर 7, पूरे जनरेटर को चेक करना। भाई पूरे जनरेटर को बर्बली चेक करेगा, जैसे कोई होज पाइप फटने वाली तो नहीं है, क्रैक तो नहीं हो रही, या होज पाइप पे जो क्लैंप लग रही है वो लूज तो नहीं है, इस तरह से प्रॉपर चेक करेगा। डायनोमा चेक कर लेगा, भाई डायनोमा की बी वेल टूटने वाली तो नहीं है, लूज तो नहीं है। फ्यूल पंप, भाई फ्यूल पंप को चेक कर लेगा, फ्यूल पंप की प्रॉपर सेटिंग मैकेनिकल सेटिंग होती है, उसमें एक एचडी कॉइल होती है, एचडी कॉइल यानी सोलोनेट कॉइल, वहां से वो चेक कर लेगा। अल्टरनेटर, अल्टरनेटर को चेक कर लेगा, भाई कवर अवर प्रॉपर लगे हुए होने चाहिए। रेडिएटर, रेडिएटर जो हमारा होता है उसके लिए फैन लगे होते हैं, फैन लगा रहता है तो फैन पे जो बेल्ट है वो लूज तो नहीं है, इस तरह से ये सभी चीजें ईटीसी। और भी इक्विपमेंटों को हमारा जो एएमसी वेंडर है वो चेक करेगा। नंबर 8, डीजल टैंक चेक कर लेंगे और क्लीन का रिक्वायरमेंट हो तो क्लीन कर देंगे। भाई डीजल टैंक के अंदर, डीजल के अंदर भी गंदगी होती है और धीरे धीरे वो टैंक के अंदर जमती चली जाती है। यदि हम डीजल टैंक का ध्यान नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे वो गंदगी क्या होगी, हमारे डीजल के साथ में जाएगी, हमारे फ्यूल पंप को दिक्कत करेगी, हमारे इंजेक्टर को दिक्कत करेगी। तो हम टैंक को चेक कर लेंगे, यदि टैंक ज्यादा गंदा होगा तो पूरा डीजल हम बाहर निकाल के और टैंक का ऊपर से कवर खोल के प्रॉपर साफ सफाई टैंक की भी कर लेंगे। और दोस्तों हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि टैंक डीजल निकालने के बाद थोड़ी देर तक उसको कवर को हम खुला रहने दें, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर गैस होती है, ये हमें सेफ्टी का विशेष ध्यान रखना। तो दोस्तों आप सभी लोग समझ गए बी चेक कब करते हैं, कितने घंटे पे करते हैं, समझ गए ना? तो इस तरह से दोस्तों बी चेक, डीजी बी चेक में हमें क्या करना होता है उन सभी के बारे में मैंने लिखा है। और दोस्तों इंटरव्यू में ये आपके बहुत ही वीडियो सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी कंफ्यूजन में रहते हैं, सही से बता नहीं पाते हैं। और दोस्तों उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें और बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनित स्केल के साथ में। और दोस्तों हमारा 1 मंथ का ऑफलाइन कोर्स रहता है जिसमें हम थ्योरिकली सेंटर पर और प्रैक्टिकली प्रॉपर साइड पर ले जाकर हर इक्विपमेंट के बारे में प्रॉपर नॉलेज देते हैं। अधिक जानकारी के लिए YouTube पे हमारे जनित स्केल चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।